Back students to your English class. Today we have fifth part of the chapter, The Shadow. So in the fourth part, we saw that all the students are worried and sitting and waiting for the day when they have to face that challenge that was given by their teacher Gaujiya Pasha, right? So finally वो दिन आ जाता है जिस दिन Gaujiya Pasha कि जो शर्त थी जो उसने रखी थी उसको कंप्लीट करना होता है सारे बच्चों को. सो फाइनली व्हाट हैपेंस, वी सॉ दैट ही कंडक्ट्स एन एक्टिविटी बाय विच ही थिंक्स ऑफ सेलेक्टिंग अ पर्सन और सेलेक्टिंग और गेटिंग अ स्टूडेंट एज हिज स्लेव. एक एक्टिविटी कंडक्ट करता है, थ्रू दैट वो डिसाइड करता है कि येस दिस बॉय विल बी माय स्लेव, ये लड़का मेरा स्लेव बनेगा. सो फॉर दैट ही रिंग्स द बेल, एक घंटी बजाता है एंड आस्क ऑल द स्टूडेंट्स टू रन आउट ऑफ द हॉल. कहता है कि तुम लोग जल्दी से जल्द इस हॉल के बाहर चले जाओ एंड द वन विल बी द लास्ट, वो मेरा गुलाम बनेगा. सो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस. So now we'll be starting from the second last paragraph. He struck, right? So finally what happens? Gaujiya Pasha struck the gong. There was a rush for the door. The boys fought and pushed and elbowed. Only Jigmet remained behind. He walked slowly up to the door. Gaujiya Pasha gave an evil smile and caught him by his shoulder. Ho ho, Jigmet will be my slave for ever and ever. Hands off, said Jigmet. So now here what happens, as all the students had already planned that Jigmet will be staying or leaving at last so that all the students could go outside aur wo andar ki taraf wo hall mein reh jaye sabse last mein. So kya hota hai, द मोमेंट Gaujiya Pasha स्ट्राइक्स द गोंग, जैसे वो बेल बजाता है, गोंग को बजाता है, एवरी स्टूडेंट स्टार्ट्स रनिंग और रशिंग टू द डोर. सब भागने लगते हैं. दे नो कीप ऑन फाइटिंग, दे कीप ऑन डूइंग, दे नो स्टार्ट पुशिंग ईच अदर, एक दूसरे को धक्का देते हैं एंड एक दूसरे को कोहनी मारते हैं. एल्बोड मीन्स कोहनी मारना. It means somewhere to push someone to way out, ठीक है, to way out something, किसी चीज़ को पाने के लिए या किसी चीज़ को के बाहर जाने के लिए. सो एक दूसरे को धक्का मारते हैं. Only Jigmet remained behind, but Jigmet क्या करता है, he remains behind, सबसे पीछे रहता है एंड he walks slowly, बहुत धीरे धीरे walk करता है to the door. And Gaujiya Pasha comes to know and he, what he does, he passes an evil smile, वो उसकी तरफ एक विलन वाली स्माइल पास करता है and catches him by his shoulder, उसके उसका शोल्डर पकड़ लेता है, उसको पीछे से पकड़ लेता है. इफ़ यू सी दिस पेज, नो उसका हाथ उसने पकड़ लिया है. एंड देन फिर क्या होता है, लेट्स सी. हो हो, Jigmet विल बी माई स्लेव फॉर एवर एंड एवर. अब वो कहता है आफ्टर कैचिंग और होल्डिंग हिज हैंड, Jigmet's हैंड, Gaujiya Pasha says that finally Jigmet will be my slave forever. अब Jigmet ही मेरा स्लेव बनेगा फॉर होल लाइफ, पूरी ज़िंदगी के लिए. बट Jigmet क्या इन रिटर्न कहता है, पलट के कहता है, हैंड्स ऑफ, सेड Jigmet. हैंड्स ऑफ मीन्स टू स्टे अवे फ्रॉम समथिंग, किसी से किसी को मना करना कोई काम ना करने से, ठीक है, तो उससे कहता है दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम मी, पुट योर हैंड्स ऑफ, मुझसे मेरा हाथ छोड़ो, राइट. व्हाट डू यू मीन हैंड्स ऑफ, यू आर माई स्लेव. देन Gaujiya Pasha ऑल्सो सेज इन रिटर्न, व्हाट डू यू मीन बाई हैंड्स ऑफ, वाई आर यू नाउ सेइंग पुट योर हैंड्स ऑफ, मैं क्यों अपना हाथ हटाऊँ, इसका मतलब क्या है. यू अब नाउ हियर Gaujiya Pasha वॉन्ट्स टू से दैट पहले तो यू ओनली योर सेल्फ साइन द पेपर, यू अग्रीड टू ऑल माई कंडीशंस, जो मैंने तुमसे कहा था, टू ऑल द रूल्स, मैंने सारे रूल्स तुम्हें समझाए थे, देन वाई डिड यू अग्री. अगर तुम्हें मुझसे अभी तुम उसे हाथ हटाने को कह रहे हो तो तुमने पहले क्यों उन पेपर्स पे साइन किया था.
नाउ यू आर माई स्लेव, वो कहता है नाउ वट एवर नो कमिटेड वट एवर वॉज कमिटेड बाई यू एंड मी, जो हमने तुमने कमिटमेंट करी थी स्टार्टिंग में वही होगा. नाउ यू आर माई स्लेव, तुम मेरे अब गुलाम हो. आई हैव द पेपर्स, गॉर्जियस सेड विद एन ईविल लाफ. वो हंस के कहता है, बहुत ही ज़ोर से हंसी मारता है और ही सेज दैट यू हैव द पेपर विच इज़ साइंड. आई हैव ऑल दोज पेपर्स विद मी, जो पेपर्स तुमने साइन किए थे वो मेरे पास हैं एज अ कमिटमेंट. Ah, but I'm not the last to leave. A very strange statement Jigmeet is making and says that, but I'm not the last person to leave. वो कहता but मैं तो last नहीं हूँ. अब let's see वो क्यों ऐसा कहता है. Let's understand. Now children, if you see this picture, here you can see only two persons in this picture. एक Jigmeet है और एक उसका टीचर है गौजिया पाशा, राइट. अब इन दिस पिक्चर इफ़ यू सी केयरफुली देर इज़ वन मोर पर्सन एंड दैट इज़ अ शैडो ऑफ Jigmeet, राइट. सो इफ़ यू सी Jigmeet डोर के क्लोज है और Jigmeet के पीछे उसकी क्या है, परछाई है. एंड दिस इज़ द रीज़न द वेरी फर्स्ट डे Jigmeet वॉज लुकिंग ऑल अराउंड द हॉल. डू यू रिमेंबर मैंने कहा था Jigmeet जब उसके यहाँ बैठता है पेपर पर साइन करने से पहले वो पूरा हॉल देखता है एंड ही आस्क्स हिम दैट ये जो सनशाइन है ये अंदर की तरफ आती है एंड क्या यही समय है कि जब आप अपने बच्चों को रिलीज़ करते हो. तो गौजिया पाशा ऑल्सो सेज हाँ यही इसी वक्त मैं बच्चों को जाने देता हूँ. सो दैट टाइम ओनली ही हैड मेड हिज माइंड सेट, उसी टाइम उसने डिसाइड कर लिया था कि मैं इस तरीके से इस धोखेबाज को, डिसीवर को, कनिंग पर्सन को मैं इसी तरीके से इसी की चाल से इसको मात दे दूँगा, ठीक है. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड. इस पिक्चर में इफ़ यू सी Jigmeet इस सॉरी हिज शैडो इज़ फॉलोइंग Jigmeet, Jigmeet के पीछे उसकी शैडो आ रही है. सो वो कहता है लीव माई हैंड बिकॉज आई एम नॉट द लास्ट स्टूडेंट. यू कैन सी क्या है अभी उसके अलावा और क्या है. लेट्स सी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ. नॉट द लास्ट एंड हु मे आई आस्क इज गोइंग टू लीव आफ्टर यू. टेक अ लुक बिहाइंड मी, सेड Jigmeet. अब जब Jigmeet उससे कहता है दैट मैं तो लास्ट पर्सन हूँ ही नहीं, देन लीव माई हैंड. नाउ गौजिया पाशा सेज एंड आस्क्स हिम यू आर नॉट द लास्ट देन हु इज़ देयर, फिर कौन है. हुम शुड आई आस्क टू स्टे बैक विद मी. अब मैं किससे कहूँ कि मेरे साथ मेरे गुलाम बन के रहो आफ्टर यू, तुम्हारे जाने के बाद. टेक अ लुक बिहाइंड मी. अब Jigmeet उससे कहता है जस्ट लुक बिहाइंड मी, मेरे पीछे देखो. Gauja turned around. I cannot see anyone, he said. Gauja says, but I cannot see anyone. मैं मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है. Turn around का मतलब घूम करके देखना. And behind मतलब पीछे. Of course, you can. You can see my shadow. वो कहता है अरे बिल्कुल देख सकते हो. Now here he wants to say that you are a magician. जब मुझे दिख सकती है शेडो तो तुमको क्यों नहीं दिख सकती है. सो ही मेक्स हिम रियलाइज दैट तुम देखो तो. यू कैन सी माई शेडो, देखो मेरी शेडो है ब्लैक कलर की. ही इज़ द लास्ट टू लीव एंड यू आर वेलकम टू कीप हिम. अब वो कहता है कि सी इट्स माई शेडो विच इज़ लास्ट टू लीव, जो मेरे बाद यहाँ से लीव करेगी, यहाँ से जाएगी. सो यू आर मोस्ट वेलकम, कीप माई शेडो विद यू फॉर एवर. तो मेरी शेडो ही रख लो अपने साथ एंड थैंक यू फॉर ऑल यू हैव टॉट मी. वो कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद, आई एम वेरी थैंकफुल दैट यू हैव टॉट मी वंडरफुल ट्रिक्स ऑफ मैजिक. तुमने हमें बहुत अच्छी अच्छी मैजिक्स की ट्रिक्स सिखाई हैं. सो वी आर आई एम थैंकफुल टू यू. एंड Jigmeet walked आउट ऑफ द हॉल इन टू द ब्राइट सनशाइन. Gauja Pasha knew he had been tricked. From that day on, he never tried forcing his students to become his slave. Now, finally, what happens? Saying this line, Jigmeet leaves the hall.
and goes outside in brightness of sun. जो सन की ब्राइटनेस होती है बिकॉज इट इज़ मॉर्निंग टाइम. जब वो सब बच्चों को रिलीज़ करता है तो उस टाइम वो बोलता है, वो जिगमेट होता है, ही गोज़ आउटसाइड, वो बाहर निकलता है इन द ब्राइट सनशाइन. ब्राइट सी सनशाइन है वहाँ पर, चमकती हुई धूप है. देन फाइनली गौजा पाशा अंडरस्टैंड, उसको समझ में आता है दैट दिस जिगमेट हैज़ ट्रिक्ड हिम, उसने इस पर चाल चली है, उसको धोखा दिया है. From that day he never tries or he never forces any student to become his slave. अब उसके बाद से कभी भी किसी बच्चे को फोर्स नहीं करता है कि वो उसका गुलाम बन जाए, right? So finally we saw this, this has been really a very strange story and I really liked this story. Because whole time there was a suspense remained. हर पूरा वक्त एक suspense बना रहा कि बच्चा कैसे जिगमेट को, सॉरी ग्वाजा पाशा को डिफीट करेगा, कैसे मुक्ति देगा, राइट? ओके, सो नाउ द टाइम कम्स फॉर क्वेश्चंस. सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट what do the students do to go out of the hall? वो सारे बच्चे हॉल के बाहर जाने के लिए क्या क्या करते हैं? The first question, what do they do? What do all the students do to go out of the hall? उसके बाहर जाने के लिए क्या करते हैं? Why does Jigmet walk slowly behind all the students to the door? क्यों जिगमेट बहुत स्लोली वॉक करता है सारे बच्चों के पीछे पीछे डोर तक जाने के लिए? नाउ दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. द थर्ड क्वेश्चन इज यस, हु इज द लास्ट टू लीव द हॉल? सबसे लास्ट में हॉल में कौन, जो हॉल होता है उसको सबसे लास्ट में कौन छोड़ता है? एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज दैट व्हाट लेसन डज गौजा पाशा लर्न फ्रॉम जिगमेट? जिगमेट से उसको क्या सीख मिलती है? This is the last question. So now you have got 4 questions in this video and I hope that you have understood. In case you have not understood, I keep on asking you to get clearer doubts as soon as possible, right? So thank you.